ये बना हुआ है पूरा रामायण, और अभी हम पीछे साइड चल रहे हैं जहाँ पे पूरा शिव पुराण बना हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो गाइज अभी हमें एक व्यू देखने के लिए ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, किधर से चढ़ना है आ चलो हमें भी नहीं पता, पूछते पूछते जा रहे हैं। बगल में सीढ़ी था, वहाँ सीढ़ी चलना चाहिए था। तो गाइज हम घूम चुके हैं, अब हम चल रहे हैं वापस, यहाँ पे मेन वही वाला गुफा है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एलोरा में। तो आज हम जाएंगे एलोरा की गुफाएं एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अभी नहा के तैयार वैयार हो चुके हैं, रूम चेकआउट करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, दवा खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे ना। चलें फिर चलते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 10, क्योंकि बहुत सारे काम थे, सुबह उठ के सारे काम निपटा के फिर हम लोग तैयार होके जा रहे हैं। चलें? यस चलो। तो अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बगल में जिस होटल में है, और ये उसका खाने वाला एरिया है, मतलब रेस्टोरेंट है, उधर किचन है, बट शायद इसी में कुछ और भी है मुझे नहीं पता। तो यही टेबल लगा हुआ है और ये है मेन्यू कार्ड, तो हमने ऑर्डर कर दिया है। हमने एक पोहा मंगाया आलू का पराठा, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही आएगा ब्रेकफास्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज हमारे पोहे आ चुके हैं, पराठे आने बाकी हैं, तो सबसे पहले यही खाएंगे, देखते हैं हम जो पोहा बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है या हमारा अच्छा रहता है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, एक नंबर पोहे हैं, थोड़ा मीठा भी है। तो हमारे गर्मा गर्म पराठे भी आ गए हैं, उसको इन्होंने बढ़िया पिज्ज़ा की तरह काट रखा है जिससे कि हम अच्छे से खा सकें। अच्छा है, हमारे यहाँ प्याज नहीं डालते, यहाँ प्याज डालेंगे। देखो ये होटल है, होटल गरिमा, जो कि बहुत अच्छा है, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है ना जी। और क्या, मतलब सर्विस भी अच्छी, और आगे जाओ तो नॉन वेज और सारी चीज़ें, खाना भी अच्छा नहीं, बट ये बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो आई थिंक आगे आप अगर आते हो तो आप यहाँ आ सकते हो, आपके आते आते और बन जाएगा, और बन जाएगा। और रात में यहाँ बारिश भी हुई थी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, पहले देखते हैं सीधा टेम्पल जाएंगे, नहीं नहीं केव्स, केव्स चलेंगे। देखो जी एलोरा जो है एकदम गांव में पड़ता है, इधर जो पहाड़ है इन्हीं पहाड़ों के उधर है एलोरा। एलोरा की गुफाएं वैसे हम लोगों ने अपने बचपन में, मतलब 10th में पढ़ी थी, उसमें सोशल साइंस में, भारत की सबसे बड़ी गुफा ना एलोरा, हाँ, और ये खुदाई में मतलब हुआ था तो उसी में निकला था। और ये है, यहाँ पे एक मंदिर भी है थोड़ा सा आगे, ये पार्किंग है। तो हम पहले जा रहे हैं एलोरा, क्योंकि मंदिर में आई थिंक ज़्यादा भीड़ होगा अभी, इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं। इधर ही है ना मंदिर के आगे, कृष्णेश्वर मंदिर। और गाय आजकल हर जगह दिख जाती है, इंसान दिखे ना। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना पेड़ पेड़ एकदम, पूरा रोड पे धूप ही नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस गाड़ी हमारी पार्किंग में लग गई है इधर, अभी पूरा पार्किंग खाली है, लेकिन हमको देख के लोग इधर लेके आ रहे हैं कि देखो भाई साहब, बाकी सबकी गाड़ियाँ उधर खड़ी हो रही है, एक लोग लेके आ रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं, पार्किंग यहाँ का बहुत बड़ा है, बस हमारी गाड़ी सेफ रहे तो अच्छा भी है। चलें। तो गाइस हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी इतने सारे पेड़, इतनी हरियाली, कितना मस्त लग रहा है देखो, तो बहुत हाँ। बड़ा है। तो हम आ चुके हैं अंदर, और अंदर कुछ खाने पीने का नहीं मिलता है, पानी की बॉटल हमने ले लिया है जिससे कि आगे चलते चलते प्यास लगे तो पानी पी लें। और इम्पोर्टेंट केव्स बता दीजिए अंदर, हां जो इम्पोर्टेंट केव्स है गाइड से बता देते हैं, इतना दूर है यहाँ पे, आपको पूरा 3 किलोमीटर में 34 केव्स देखने को मिलता है, 3 धर्मों का गुफा है, बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, जो इम्पोर्टेंट केव्स से 1 से 1.5 घंटा लगता है देखने। देखिए हमारे स्मार्ट पति देव ने हमारा नोट बचा लिया है, इन्होंने ऑनलाइन टिकट निकाल ली जिससे कि हमारी नोट बच गई है। अब हम आपको दिखाएंगे, आप ऊपर जेब में रख लो ना, 35 रुपए का एक टिकट, 35 रुपए का, यस। वो हमें लग रहा है ऑनलाइन कम का, कैश में ज्यादा का है क्या? नहीं नहीं वही टिकट वा है, अच्छा। लेकिन ये जो काउंटर्स लोग है ना, तो आपसे कैश लेंगे, अच्छा ठीक। वो तो ज्यादा बता रहे थे शायद 40-50 रुपए, 40-50 रुपए बोल नहीं रहे थे कि 100 रुपए कैश ले लो, ये सारे टूर गाइड यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइज हमारी टिकट निकल गई है, एक टिकट जो है 35 रुपए की पड़ी, हमने ऑनलाइन निकाली है, ऑफलाइन में मुझे नहीं पता इतने की ही होगी, क्या पता ज़्यादा की हो तो मुझे नहीं पता। जो हमने टिकट लिया है वो यहाँ पे हमको स्कैन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे 32 से 34 गुफाएं हैं, अगर आप हिस्ट्री जानने के लिए घूमने के लिए आते हो तो आप ना टूर गाइड कर लो। अरे चलो भाई
वो तो यही झगड़ा कर रहे हैं। गाइस जो ऑनलाइन टिकट निकालते हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा रहती है, लाइन लगाना नहीं पड़ता है। तो आप जब भी आओ ऑनलाइन टिकट निकाल लो, स्मार्ट वर्क करो। 34 गुफा है, इसका मैप भी है। ये देखो 34 गुफाओं का मैप भी है यहाँ पे। तो गाइस ये है, हम पहुँच चुके हैं और इतने ही आने में हालत ख़राब हो गया। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं मिल रही, लेकिन माला हार सब कुछ मिल रहा है, सेल्फी स्टिक मिल रहा है। वहाँ से हम इतना आए हैं, धूप इतनी भयंकर वाली है। चलते हैं यहाँ से अंदर। ये देखो यहाँ पे व्हील चेयर की भी सुविधा है। अगर आपके साथ कोई आते हैं, आप चल नहीं पाते हो, तो आराम से व्हील चेयर भी ले सकते हो। जगह जगह पर डस्टबिन रखा हुआ है, कृपया गंदगी ना करें। जन्म टेप वाले कभी भाग नहीं सकते। वाओ कितना ठंडा लग रहा है अंदर। तो पूछना पड़ेगा किसी से। ये बना हुआ है पूरा रामायण, और अभी हम पीछे साइड चल रहे हैं जहाँ पे पूरा शिव पुराण बना हुआ है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और धूप इतनी भयंकर है भाई, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। मेरा गर्दन ऊपर तक नहीं जा रहा है। देखो कितना बढ़िया, कितना सुंदर बना है। यहाँ घूमने के लिए हम लोग को एक टूर गाइड की ज़रूरत रहे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना? चलिए पीछे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल कॉलेज के वो आए हैं। चीज़ें बनी हैं जो कि हम सिर्फ समझ सकते हैं, समझा नहीं सकते। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं दूसरी साइड में। उधर साइड में रामायण था, पीछे शिव पुराण था, और ये है महाभारत का। देखिए एकदम छोटा छोटा पूरा बनाया गया है, जहाँ पे युद्ध वगैरह हो रहा था। हाथी घोड़े लेके इंद्र मतलब वो धनुष बाण लेके वो पूरा चला रहे, वो सारा चीज़ें हैं एकदम बहुत बारीकी से बना हुआ है, एकदम छोटा छोटा। और सोचिए पूरा पत्थरों को काट के इतना छोटा छोटा बनाया गया है, बड़ा बड़ा भी इतना बनाया गया, इतना छोटा छोटा भी। ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जब कोई दिखाता है ध्यान से देखते हैं समझाता है ना, तब समझ में आता है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं आने वाला। और इधर पूरा देखो गुफा, ऊपर पूरा चट्टान है, नीचे पूरा इधर पूरा मतलब इतना बड़ा है ना। यहाँ कुल 34 गुफाएँ, तो घूमते घूमते हालत ख़राब हो जाएगी। सामने देखो ये हाथी, उधर साइड भी हाथी बना था बट वो पूरा तोड़ दिया गया, तो समझ में ही नहीं आ रहा हाथी। लेकिन इधर वाला हाथी पूरा समझ में आ रहा है, बस उसकी पूंछ और उसकी वो सूंड कट गई है, नहीं है। तो गाइज अब हम चल रहे हैं, यहाँ से बाहर आ ही गए हैं। एक और गुफा जो हमारी सब्सक्राइबर, उन्होंने बताया कि 29 आप यहाँ से ऑटो पकड़ के चले जाओ, ये रिक्शा चलता है, वो पकड़ के चले जाओ, वहाँ बहुत अच्छा है, वाटरफॉल भी है, तो मस्ट विजिट है, इसीलिए हम वहाँ जा रहे हैं। तो गाइज अभी हमें एक व्यू देखने के लिए ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, किधर से चढ़ना है आ चलो, हमें भी नहीं पता, पूछते पूछते जा रहे हैं। एरियल व्यू देखने के लिए इधर से होता है ना, तो उनको ले आते हैं एक्सपीरियंस कराने। बगल में सीढ़ी था, वहाँ सीढ़ी चलना चाहिए था। सब ऐसे ही सीढ़ी है। गजब। तो गाइज हम ऊपर आ गए और ये है यहाँ का एरियल टॉप व्यू, जो कि किताबों में रहता है। यहाँ से इधर पूरा शहर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है हम बहुत ऊंचाई पे आ गए। ऐसे ऊंचाई पे हैं लेकिन बहुत ऊंचाई पे नहीं है। इतना मस्त लग रहा है, एकदम हरा भरा ग्रीनरी। ओह माय गॉड। जो हम कहना चाहेंगे, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो आप टूर गाइड कर लो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन हाँ टाइम निकाल के, जैसे हमारे पास हमको घर निकलना है, हम रास्ते में रुक के बस कि चलो घूम लेते हैं, तो हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि पूरा दिन चला जाएगा। तो आप जब भी आते हो टाइम निकाल के आओ और एक टूर गाइड करो, तब आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो गाइज हमने खरीदा यहाँ से, ये देखो गले में पहना है, हाथ में पहना है, कान वाला नहीं पहना। और अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल। यहाँ के लिए ये जो रिक्शा जिसपे हमने बैठे हैं, इस पर पर्सन 30 रुपीज है टिकट, वहाँ से मिलता है, वहाँ से लेके फिर आप बैठ सकते हो। ये क्या डाल दिया? तो गाइज हम आ चुके हैं 29 गुफा में, ये देखिए नंबर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे है वाटरफॉल। हमको लगा इधर होगा बट वहाँ है। अरे वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ कैसे जाते हैं? इतना छोटा वाटरफॉल है, मुझे लगा बहुत बड़ा है।
एक्चुअली जहाँ से गिर रहा है वहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखेगा ना, वहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, वहाँ जा सकते हैं। ये अंदर से हमको लगता रास्ता है, क्या मालूम, या फिर वो गुफा नंबर कुछ और होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ से दिखता है खाली, यहाँ से दिख रहा है, नॉर्मली है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा बताएं कि बहुत सुंदर, बहुत हमको लगा कि जोगनी वाटरफॉल है क्या, देखो वहाँ से आ रहे हैं लोग, ये यहाँ से पैदल पैदल आप जा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है उधर जाने। तो गाइज हम घूम के आ चुके हैं वाटरफॉल वाला गुफा, और इधर देखो स्कूल के बच्चे कितने ज्यादा आए हैं, सब यहाँ बैठे शोर मचा रहे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं वापस, घूम चुके हैं, किधर से चलना है, वो एग्जिट है, देखो कितने स्कूल के बच्चे, इतने ज्यादा छोटे बड़े सब, ये बंदर 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 कैसे बंदर, बैठे हैं दादा की तरह, बंदर बचा के काले वाले हैं, पूछ देखो कितनी लंगी लंगूर है, कौन से, हम इधर से चलेंगे ये, हाँ हाँ तुम चलो आराम से। तो गाइज हम घूम चुके हैं, अब हम चल रहे हैं वापस, यहाँ पे मेन वही वाला गुफा है जो नोट में बना हुआ है, बाकी तो आप फिर पूरे दिन यहाँ रह के टाइम पास कर सकते हो, बाकी वर्क नहीं लगा, हाँ बाकी वर्क नहीं लगा। और यहाँ पे पूरी मार्केट पहले खुली नहीं थी, अभी ओपन हो गई, खाने पीने का जैसे कहीं भी जाते हो तो हर एक चीज रहता है, वैसे यहाँ पर भी है खाने पीने खरीदने का हर एक चीज, तो आप खरीद सकते हो, खा सकते हो, पहन सकते हो। हाँ पहुँच चुके वापस से पार्किंग में, केव साइड कॉर्नर, चलिए खोलिए, पूरा गाड़ी में भपका भरा हुआ है, ओह माय गॉड इतनी गर्मी गाइस, हालत खराब हो गया, ओए अब सीधा चलेंगे, सीधा घर चलूंगा। देखो दादी दोनों तरफ पैर करके बैठी हैं, हम लोग के यहाँ साड़ी पहनने के बाद कहेंगे, अगर कोई बैठ भी गया तो कहेंगे अरे तुमका शर्म नहीं आवा, और दादी लुंगी मार के गाड़ी पे दोनों तरफ पैर करके बैठी हुई है, और ट्रैफिक लग गया, अरे दादू दादी तो 90 साल की बूढ़ी अम्मा लोग काम करती हैं, हाँ इतना मतलब वो पानी का बड़ा बड़ा वो लेके जाती हैं, इतना काम करते हैं लोग। ओम साई रेस्टोरेंट, यहाँ खाने में सिर्फ पाव भाजी और वड़ा पाव और डोसा यही सब मिलता है। तो गाइज अभी हम रुके हुए हैं लंच करने के लिए, क्योंकि हमको 4 बजे दवा खानी होती है, तो अभी फिलहाल 2 भी नहीं बजे हैं, लेकिन लंच में कल लेट हो गया था तो हमको ये थोड़ा अच्छा दिखा, तो यहाँ रुक गए कि कुछ अच्छा मिल जाएगा तो यहीं खा लेंगे, क्योंकि हाईवे पे यहाँ पे 200 किलोमीटर कुछ है ही नहीं। तो गाइज ये है हमारा लंच, इसमें है पनीर और ये है रोटी, और ये कितने का पड़ा मुझे नहीं पता है, लेकिन सब्जी बहुत थोड़ा दिया है इन्होंने, और इसके साथ में सैलेड भी है, ये प्याज है और नींबू है, देखते हैं कैसा टेस्ट है, अच्छा है। तो गाइस खाना खा लिए हैं और अब हम चल रहे हैं आगे के लिए, और भाई इधर इतना ज्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताएं, एकदम गर्मी से कलुआ हुए जा रहे हैं। तो गाइस फिलहाल अभी हम अपना ये वाला व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आगे की जर्नी अगली वीडियो में देखने को मिलेगा।